जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि मैं कुछ दिन के लिए कहीं टूर पे जा रहा हूं और आज मैं ऑन द वे हूं। किसी की वजह से आज के मुख्य समाचार में आपको एक बड़ी कमी लग सकती है। अब वो कमी क्या है ये आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब सफर में रहने की वजह से ऐसा करना पड़ा है तो कृपया करके इसे नजरअंदाज करें। बाकी आने वाले दिनों में आपका भाई बाकी दिनों की तरह मुख्य समाचार बताएगा। तो आइए देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। इंडिया को झटका देने वाले हैं शरद पवार, पीएम मोदी का करेंगे सम्मान और मनाने में जुटा है विपक्ष। जी हां, मुंबई में 25 और 26 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। उससे पहले 1 अगस्त को एनसीपी के मुखिया शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र में स्वागत करने के लिए तैयार है। विभिन्न राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि मंडल आज उनसे मिलने वाला है। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए शरद पवार को मनाने की कोशिश करेगा। दोस्तों बात यह है कि शरद पवार पीएम मोदी की पार्टी की विपक्षी नेता के बड़े नेता है। इसी की वजह से जो भी उनके साथ वाले नेता है वो चाहते हैं कि पीएम मोदी का सम्मान या स्वागत शरद पवार न करें। देखें अगली खबर। आने वाले अगस्त के महीने में 14 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पे बंद रहेंगे बैंक, यानी कि कुल 14 दिन। जी हां, आने वाले अगस्त के महीने में बैंकों में 14 दिन कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार और 2 शनिवार यानी 6 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं अलग अलग जगहों पर यानी कि देश के अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से 8 दिन बैंक और बंद रहेंगे। ये कुल मिलाकर 14 दिन हो जाते हैं, यानी कि बैंकों में 14 दिन तक कामकाज नहीं होगा आने वाले अगस्त के महीने में। तो दोस्तों अगस्त के महीने में कौन सी तारीख को किस लिए और देश के कौन कौन से जगहों पे बैंक बंद रहेंगे इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर सभी तारीखों को आसानी से देख सकते हैं। देखिए अगली खबर। 1 अगस्त को कबाड़ा हो जाएंगे कई सारे स्मार्टफोन, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, गूगल ने अब अपने कुछ एंड्रॉइड का सपोर्ट बंद कर दिया है जिसकी वजह से कुछ स्मार्टफोन कबाड़ हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड वर्जन 4.4 जो की किटकैट पे आधारित है, तो इस वाले वर्जन पे जो भी फोन चल रहे हैं उनको गूगल द्वारा सपोर्ट देना बंद कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो करीब 10 साल पुराने स्मार्टफोनों को सपोर्ट देना बंद हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अगस्त से गूगल का ये फैसला प्रभावी हो जाएगा यानी कि लागू। हालांकि जो फोन में पहले से चीजें हैं उनमें से कई चीजें चलती रहेंगी पर आने वाले दिनों में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। साथ ही में कई सारे ऐसे ऐप्स हो सकते हैं जो कि पहले की तरह नहीं चल पाएंगे या चलेंगे भी तो चलने में परेशानी करेंगे। देखिए अगली खबर। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य, इससे जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। जी हां, जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में अभी हाल ही में बीते बुधवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया। आसान शब्दों में कहें तो अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में जन्म पंजीकरण यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और मृत्यु पंजीकरण यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जा सकता है। यानी कि जन्म के बाद या मरने के बाद इसका पंजीकरण कराने के लिए पहले आधार कार्ड देना होगा। देखिए अगली खबर। कर्नाटक सरकार ने दूध की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाई, शिव कुमार बोले इसकी वजह से किसानों को फायदा होगा। जी हां, कर्नाटक कैबिनेट ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को राज्य में दूध की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी है। उनका मानना है कि इसकी वजह से किसानों को फायदा होगा, लेकिन जाहिर बात है इसकी वजह से आम जनता को नुकसान भी होगा, यानी कि एक और महंगाई की मार पड़ेगी। देखिए अगली खबर। दिल्ली सरकार ने घर ऑफिस में मच्छर मिलने पर जुर्माना बढ़ाया, घरों में मच्छर मिलने पर लगेगा अब 1000 रुपए का जुर्माना। वहीं कमर्शियल जगहों पर मच्छर मिलने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां, दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अब जांच के दौरान घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं कमर्शियल जगहों पे जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, कंपनी वगैरह है, तो वहाँ पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब डेंगू की रोकथाम के लिए जुर्माने को सीधा डबल कर दिया गया है। असल बात यह है कि जुर्माना ऐसे तौर पर लगाया जाता है कि अगर किसी के घर में जांच टीम पहुंचती है और वहाँ पे गंदा पानी रखा हुआ है, उसमें मच्छरों के अंडे हैं या मच्छरों ने पनपना शुरू कर दिया है, तो इस तरह से मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, न कि ऐसे तौर पर कि किसी भी तरह का मच्छर मिलने पर जुर्माना लगा दिया जाए। क्योंकि अभी देश की राजधानी दिल्ली में या देश के बाकी जगहों पर शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप मच्छर न देखते हो। आसान शब्दों में कहें तो अगर लोगों के घर के आसपास कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे पानी जमा हुआ है या आपके घर के अंदर है या छत के ऊपर है और सूखे हुए पानी में अगर मच्छर पनप रहे हैं तो फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। बाकी साथ ही मैं आपको एक और बात बता दें कि केवल दिल्ली NCR नहीं बल्कि देश के और भी राज्यों में डेंगू के मामले बढ़ सकते हैं। इसी की वजह से मच्छरों से अभी फिलहाल काफी ज्यादा सावधान रहें। जो भी इससे बचने के उपाय हो सकते हैं वो जरूर करें। देखिए अगली खबर। सरकार ने 635 वेबसाइट और 120 यूट्यूब चैनलों को किया बैन, इन पर फेक न्यूज फैलाने का था आरोप। जी हां, सरकार ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दिसंबर 2021 से अब तक 120 यूट्यूब चैनलों और 635 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को संसद में इसकी जानकारी खुद दी है। आसान शब्दों में कहें तो जो भी फेक न्यूज फैलाने वाले वेबसाइट हैं या यूट्यूब चैनल हैं तो उनको अब सावधान रहना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी फेक न्यूज फैलाने के आरोप में सीधे सरकार की तरफ से ऐसे यूट्यूब चैनल को या फिर वेबसाइट को बैन किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार ने ऐसे चैनलों को बैन करके या ऐसे वेबसाइट को बैन करके आपके हिसाब से अच्छा फैसला किया या आपके हिसाब से कुछ और फैसला होना चाहिए था। देखिए अगली खबर। पूर्व अमेरिकी नेवी अफसर ने संसद में कहा कि एलियन मिले थे, 1930 में हुए क्रैश UFO के साथ बॉडीज भी पाई गई और वो बॉडीज इंसान के नहीं थे। जी, अमेरिका के संसद में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को UFOs और एलियन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान
यूएस नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्लस ने दावा किया है कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इन यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है। द गार्जियन के मुताबिक मेजर ग्लस ने 2022 के आखिर तक अमेरिका के डिफेंस एजेंसी के लिए यूएपी यानी कि यूएफओ से जुड़ी संदिग्ध घटनाएं पे एनालिसिस किया था। उन्होंने बताया कि सरकार को एलियन मिले थे, वो उनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो पूर्व नेवी अफसर की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि अमेरिका को एलियन मिल चुके हैं। उसे ये भी पता है कि एलियन होते हैं, लेकिन अमेरिका इन सभी बातों को पूरी दुनिया से छिपा रहा है। और जो एलियन का स्पेसक्राफ्ट है, उनका जो हवाई जहाज है, उनका जो यान है, उसकी छानबीन कर रहा है सीक्रेट तौर पर। देखिए अगली खबर। अब घर बैठे पा सकते हैं 70 रुपए किलो टमाटर सरकार के ऑफर के तहत। जी हां, पिछले कुछ समय से देश में टमाटर का क्या हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। टमाटर के रेटों में आग लगी हुई है। अभी भी थोड़ा सा ठीक ठाक एक किलो टमाटर लेने के लिए 130 से 140 रुपए देने पड़ रहे हैं। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में टमाटर की इसी महंगाई को देखकर सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए टमाटर को सस्ते में बेचना शुरू किया। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई और शहर है जहां पर सरकार की योजना के तहत टमाटर केवल 70 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि वैसा ही टमाटर खुदरा बाजार में 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो या फिर इससे भी महंगा मिल रहा है। फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि अब सरकार के इस वाले ऑफर का फायदा घर बैठे उठा सकते हैं, यानी कि अब 70 रुपए किलो टमाटर ऑनलाइन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको ONDC का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, ONDC अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह सरकार का अपना प्लेटफॉर्म है। हालांकि आपको बता दें, ONDC आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं या फिर मैजिक पिन ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों ही ऐप में ONDC की सुविधा पहले ही से उपलब्ध है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हुए 70 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप खोलने के बाद दाएं साइड ऊपर आपको सर्च बॉक्स में ONDC फूड सर्च करना है, या आप सर्च कर सकते हैं टोमेटोज फ्रॉम NCCF। तो ये सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप टमाटर को बाय कर सकते हैं 70 रुपए किलो के हिसाब से। हालांकि आपको बता दें, आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 किलो टमाटर ही बुक कर सकते हैं। वहीं बुकिंग का समय सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहता है। देखिए अगली खबर। क्या 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ेगी, और क्या 500 रुपए का नोट भी बंद होगा, और क्या आने वाले हैं 1000 रुपए के नए नोट। सरकार ने दिया है इन तीनों सवालों का जवाब। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI बीते मई के महीने में 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर चुका है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं। और इन नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जनता के इस सवाल को संसद में कई सांसदों ने सरकार से पूछा है, तो इसी मामले में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 30 सितंबर तक आप अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करा दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही में संसद में सरकार से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में उच्च मूल्य वाले जो और नोट हैं, यानी कि 500 रुपए का नोट, तो क्या ये भी आने वाले दिनों में बंद किया जाएगा। तो इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले दिनों में 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा, तो इसके जवाब में सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने कहा, RBI के अनुसार 2000 रुपए के नोट की निकासी एक करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन था। जनता की असुविधा को देखते हुए इन नोटों को परिचालन से बाहर किया गया है। साथ ही में सरकार की ओर से कहा गया कि निकासी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। आसान शब्दों में कहें तो 1000 रुपए के नए नोट को जारी करने को लेकर ये कहा गया है कि फिलहाल इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश भर में अन्य मूल्य वर्ग के यानी कि 1000 रुपए के नोट के अलावा कई और नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, जैसे कि 100 का नोट, 200 का नोट या फिर 500 का नोट। देखिए अगली खबर। PF पर अब 8.15% का ब्याज मिलेगा, सरकार ने दे दी है मंजूरी। जी हां, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, EPFO ने बीते मार्च के महीने में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी, और इसे सरकार की ओर से मंजूर कर लिया गया है। यानी अगर आपके 1,00,000 रुपए जमा है तो अब आपको इस पर साल में 8,150 रुपए का ब्याज मिलेगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी PF के दायरे में आते हैं, तो ये खबर उन सभी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए अगली खबर। शहबाज शरीफ का नया ऐलान, कहा चुनाव जीते तो नवाज होंगे PM, साथ ही कहा लाखों बच्चों को लैपटॉप देंगे, अब भीख का कटोरा तोड़ने की है बारी। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इसी साल होने वाले जनरल इलेक्शन में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चुनाव जीत जाती है तो नवाज शरीफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं बोला गया है, इस बार सरकार में आने के बाद कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, गरीबी को दूर भगाया जाएगा। देखें अगली खबर। चंद्रयान 3 ने 5वीं बार बदली ऑर्बिट, अब 1 अगस्त को ये चांद की तरफ निकलेगा, वहीं आने वाले 23 अगस्त को ये चांद की जमीन पे लैंडिंग करेगा। देखें अगली खबर। खूनी चिट्ठियों का सिलसिला हुआ शुरू, यूपी में बात मनवाने का यह नया ट्रेंड। जी उत्तर प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए लोग खूनी चिट्ठियां लिख रहे हैं, यानी कि अपने खून से चिट्ठी लिख रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने खून से खत लिखा। मंत्री जी ने खत की शुरुआत में लिखा, मेरे शरीर में खून की एक एक बूंद मछुआ समाज के लिए समर्पित है। इसके बाद भी ऐसे कई मामले देखे गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो नेताओं का या फिर सरकार का या फिर आम जनता का भी ध्यान खींचने के लिए अपनी मांग को लेकर खून भरे लेटर लिखे जा रहे हैं। देखें अगली खबर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में टमाटर हुआ 140 रुपए किलो, वायरस की वजह से आंध्र प्रदेश और
कर्नाटक में फसल हो गई है खराब, अब टमाटर को सस्ता होने में लगेंगे 2 महीने। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 200 रुपए किलो, मुंबई में 200 रुपए किलो, गाजियाबाद में 250 रुपए किलो। बीते महीने यानी कि जून के पहले हफ्ते में टमाटर इसी भाव बिका। ज्यादातर बड़े शहरों में अभी भी टमाटर का रिटेल प्राइस 140 रुपए किलो से लेकर 180 रुपए किलो है। आपको बता दें, जून के पिछले महीने यानी कि अप्रैल में यही टमाटर 10 से 20 रुपए किलो बिक रहा था। फिलहाल दोस्तों ताज़ा जानकारी यह है कि अब एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 1 किलो टमाटर का भाव 140 रुपए किलो पे पहुंच गया है। जाहिर बात है, जब मंडी में इतना ज्यादा दाम बढ़ गया है तो आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में कि खुदरा बाजार में देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी कीमतें कहां तक जा सकती हैं, क्योंकि मंडी में ही इसका भाव अब 140 रुपए किलो हो गया है। वहीं एक और परेशानी वाली बात ये बताई गई है कि बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में टमाटर की फसल खराब हो गई है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अब टमाटर को सस्ता होने में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा, यानी कि लगभग 2 महीने तक लोगों पर टमाटर की महंगाई की मार पड़ती रहेगी। देखें अगली खबर, ये है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा, देश मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा, यानी कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की पहले 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि 2024 के बाद तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी, देशवासी अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी का ऐसा दावा है कि 2024 के बाद जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो तीसरे टर्म में इकोनॉमी के मामले में अपना देश भारत अमेरिका, रूस और चाइना को टक्कर देने लगेगा। देखें अगली खबर, दो हिस्सों में बढ़ सकता है अफ्रीका। 3500 किलोमीटर लंबी पूर्वी अफ्रीकी दरार फैलती जा रही है, इसकी वजह से नया समुद्र बनने की भी है संभावना। जी हां, कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका दो हिस्सों में बंटने वाला है और इसकी शुरुआत होने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेड सी से मोजाम्बिक के बीच पूर्वी अफ्रीकी दरार फैलती जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये दरार 3500 किलोमीटर लंबी है। वैज्ञानिक काफी साल पहले अफ्रीका महाद्वीप के एक बड़े हिस्से के टूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूट जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।